नमस्कार। अब हम सीएलएफ रेगुलर मीटिंग का अंतर कर रहे हैं, जिसमें हमने अटेंडेंस फिल कर दी है। अब हम लोन रिक्वेस्ट बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा है लोन रिक्वेस्ट का। आज की मीटिंग में जिस वीओ ने भी लोन की रिक्वेस्ट की है, आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर कोई एसएचजी लोन रिक्वेस्ट लेके आया है तो आपको एसएचजी रेडियो बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपका वीओ कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वीओ, अदर सीएलएफ अगर लोन की डिमांड कर रहा है तो अदर सीएलएफ, एंड पीजी और पीई ग्रुप अगर डिमांड कर रहा है तो उनकी आपको लोन रिक्वेस्ट बनानी होगी। सीएलएफ में ज्यादातर वीओ में ही लेन देन होता है, तो वीओ पे ही क्लिक रहने देते हैं और एड लोन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने होगा। वीओ नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभिमान महिला ग्राम संगठन मैंने सिलेक्ट किया। फंड सोर्स आपको सिलेक्ट करना होगा, आप कौन से फंड से उनको ऋण देंगे। हम सीआईएफ से लोन देंगे तो मैंने सीआईएफ क्लिक किया। लोन रिक्वेस्ट डेट, कब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने 30 अप्रैल को ही रिक्वेस्ट की। वैलिडिटी, वैलिड कब तक रहेगी ये डिमांड, जो वो 30 अप्रैल को डिमांड कर रहे हैं, मान लेते हैं 3 महीने तक वो वैलिड रहेगी। 30 अक्टूबर मैंने किया, 3 या 4 महीने जो भी आप वैलिडिटी डेट लेना चाहें ले सकते हैं। रिक्वेस्ट अमाउंट कितना है, कितना रिक्वेस्ट ये व्यू कर रहा है, 5 लाख रुपए की रिक्वेस्ट आई है। टर्नओवर इन मंथ, कितने महीने के लिए ये ऋण मांगा जा रहा है, 60 मंथ। सबमिट हम करेंगे तो हमारी डिटेल सबमिट हो जाएगी। यहाँ हमारी लोन रिक्वेस्ट बनकर आ गई है। अगला टैब है समरी का, जो हम लास्ट में चेक करेंगे। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन टैब पे, ट्रांजेक्शन एक बार देख लेते हैं। क्लिक मैंने किया है, ट्रांजेक्शन बटन पे ही क्लिक होकर सारी ट्रांजेक्शन आपकी होनी है। यहाँ पे रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जनरल वाउचर, बीआरएस, कैश, बैंक एंड सेटलमेंट, सभी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। एक एक करके एक एक एंट्री को हम समझेंगे। धन्यवाद।